फोन कर रहे थे प्रेमी क्वेश्चन यानी प्रसंग बनाना। कई दिनों से हम बनाना सीख रहे हैं प्रसंग, अब समझ में भी आने लगे होगा प्रसंग कैसे बनाए जाते हैं। प्रसंग कैसे बनाए जाते हैं? मोहन 8, 6 years old। प्रश्न है, उत्तर है, मोहन 6 साल का है। तो अपने को इससे प्रश्न बनाना होता है, तो प्रश्न पूछेगा क्या, मोहन कितने साल का है? तो मोहन 6 साल का है। मोहन की उम्र कितनी है यानी कितने साल है, कितने साल का है, ठीक है। उम्र पूछने के लिए हाउ ओल्ड से बनाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने नियम लिखवाए थे कि वाट का प्रयोग क्या सामान्य जानकारी के लिए, वेर का कहाँ, स्थान के लिए, वैन का कब, समय के लिए, तब मैंने ये लिखवाए थे कि हाउ ओल्ड जो है उम्र बताता है, हाउ फार जो है वह दूरी बताता है कि कितनी दूरी है, हाउ ओल्ड उम्र बताता है। तो मोहन 6 साल का है, प्रश्न बन जाएगा मोहन कितने साल का है। प्रश्न क्या बनेगा, मोहन कितने साल का है? तो आंसर आ गया मोहन 6 साल का है। अपने को बनाना है प्रश्न, तो डब्ल्यू एच वर्ड से बनाना है, क्योंकि यस या नो ना हो तो डब्ल्यू एच वर्ड से प्रश्न को बनाएंगे। यस या नो हो तो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाया जाता है। तो उम्र के बताने के लिए, पूछने के लिए हाउ ओल्ड का प्रयोग करते हैं। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, इज है, तो यहाँ इज लगा दी, हाउ ओल्ड इज। आगे सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, तो मोहन लिख दिया, हाउ ओल्ड इज मोहन। और 6 years old ही आंसर हो गया इसका, यानी ये उत्तर हो गया। उत्तर को वापस प्रश्न में नहीं डालना है, उत्तर तो प्रश्न पूछेंगे तभी तो उत्तर आएगा। तो प्रश्न बन गया हाउ ओल्ड इज मोहन, मोहन कितने साल का है, आंसर आ गया मोहन इज 6 years old, मोहन कितने साल का है, 6 साल का है। और ये ध्यान रखना है जैसे द फॉक्स वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, फॉक्स वाज स्टैंडिंग, लोमड़ी खड़ी थी अंडर द ट्री, कहाँ खड़ी थी, पेड़ के नीचे खड़ी थी। द फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो हम पूछेंगे प्रश्न, तो लोमड़ी कहाँ खड़ी थी, प्रश्न यही बनेगा लोमड़ी कहाँ खड़ी थी। कहाँ मतलब कि किस स्थान पर खड़ी थी, यानी स्थान सूचक हो गया, स्थान सूचक कि कहाँ खड़ी थी। तो स्थान सूचक में हमने क्वेश्चन बनाने के किससे बनाएंगे, वेयर से बनाएंगे, वेयर स्थान सूचक है, वेयर लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब अगर है तो हेल्पिंग वर्ब वापस आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब में क्या आ रहा है, वाच, वेयर वाच। सब्जेक्ट आगे जाओ द फॉक्स, मेरा सब्जेक्ट है, और पीछे आ जाएगा स्टैंडिंग। क्या प्रश्न बन गया, वेयर वाज द फॉक्स स्टैंडिंग, लोमड़ी कहाँ खड़ी थी, आंसर आ गया द फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे जो है वो लोमड़ी खड़ी थी। तो प्रश्न कठिन नहीं है, ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको प्रश्न किससे बनाना है, और प्रश्न में इस उत्तर को लिखना नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है कि उत्तर को वापस लिखना नहीं है, ये विशेष बात ध्यान रखनी है। दे विल गो टू अजमेर
समर, वे छुट्टियों में यानी गर्मी की छुट्टियों में अजमेर जाएंगे। तो प्रश्न बन गया, वे अजमेर कब जाएंगे, वे अजमेर कब जाएंगे। तो आंसर आ गया, गर्मी की छुट्टियों में, इन समर वेकेशन, यानी गर्मी के मौसम में। तो कब का उत्तर जो है ना, समय बता रहा कब जाएंगे, और समय सूचक कौन सा है, वैन है। समय सूचक कौन है, वैन है। समय सूचक कौन है, वैन है। वैन आ गया। दे विल हेल्पिंग वर्ब विल हैच में वापस भी ला जाएगी, वैन विल। आगे सब्जेक्ट में जाओगे तो दे आ गया, गो टू आ गया और अजमेर आ गया। और इस उत्तर को, इन समर जो है इसका आंसर है, इसको वापस लिखना नहीं है। प्रश्न बन गया, वैन विल दे गो टू अजमेर, वे अजमेर कब जाएंगे। तो आंसर आ गया, वे अजमेर जो है वे समर में जाएंगे, यानी सर्दी के मौसम, गर्मी के मौसम में, सर गर्मी ऋतु में जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि प्रश्न बनाते समय आपको किस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, इसकी आपको जानकारी होनी आवश्यक है। जैसे माई नेम इज राजेश, मेरा नाम राजेश है, तो प्रश्न पूछने वाला क्या पूछेगा, तुम्हारा क्या नाम है। तब आंसर देने वाले ने कहा, मेरा नाम राजेश है। ये जो क्या से संबंधित प्रश्न है वो वाट से शुरू होते हैं, वाट। ई जा रहा है क्या, ई जा गया। आगे माई है, माई को योर में बदल देते हैं, फिर आ जाएगा नेम, वाट इज योर नेम। और ये राजेश उत्तर है, ये वापस नहीं लिखना है, इसकी बात भी गौर रखनी है। प्रश्न बन गया, वाट इज योर नेम, आंसर आ गया, माई नेम इज राजेश। इस प्रकार हमने बहुत सारे फ्रेमिंग क्वेश्चन को किए। प्रश्न बनाना सरल है, कोई कठिन नहीं है, बस ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हेल्पिंग वर्ब का कौन सा WH वर्ड यहाँ काम आएगा, उसके लिए आपको वो नियम मिलने लिखवाए हैं, उनको गौर करना है कि स्थान सूचक, समय सूचक, सामान्य जानकारी के लिए, उम्र बताने के लिए, दूरी बताने के लिए कौन से WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो अब आसानी से आप प्रश्न बना सकते हैं।